फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि जो भी साधक ध्यान करना शुरू करता है या फिर पूरे मन से पूजा अर्चना करता है, भक्ति करता है, कीर्तन करता है, उस साधक के भीतर फिजिकली बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे मेडिटेशन के दौरान बॉडी के अंदर हीट पैदा होना, वाइब्रेशन होना या बॉडी में झटके लगना, आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई पर सेंसेशनल होना, शरीर में इस प्रकार के कुछ चेंजेस होने लगते हैं। शुरुआती तौर में साधक समझ नहीं पाता कि उसकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है। कभी कभी गहरी भक्ति के दौरान कोई मंत्र जाप या कोई डिवाइन म्यूजिक जैसे ओम का उच्चारण सुनते समय शरीर में गूज बम्स हो जाते हैं, यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है अगर आप किसी साधना को करते हैं, कोई ध्यान करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सबके पीछे का विज्ञान क्या है? आखिर इन सबके पीछे कौन सी साइंस काम करती है? तो ठीक है, बहुत से साधकों ने कमेंट के जरिए मुझसे ये पूछा था कि शरीर में इस तरह के परिवर्तन क्यों होते हैं। तो आज का ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनना, शायद आपको कुछ नया जानने को मिले। देखिए, इन सबके पीछे का एक मेन कारण तो यह होता है कि आपका आपके शरीर के प्रति बहुत गहरा लगाव होता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं। शायद आप यह बात नहीं जानते, लेकिन आपका शरीर यह महसूस करने लगता है, क्योंकि कोई भी साधना की शुरुआत मरने की ही तैयारी होती है। और किसी का भी शरीर जल्दी स्वीकार ही नहीं कर पाता, क्योंकि कोई भी शरीर मरना नहीं चाहता। अब देखिए इसके पीछे का विज्ञान किस तरह से काम करता है। जब भी आप कोई साधना करते हैं, अब चाहे वो प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो, विपसना हो या फिर भक्ति की साधना हो, किसी भी प्रकार की साधना में आपके भीतर एक ऊर्जा पैदा होती है। यह कुछ इस तरह से काम करता है। जैसे मान लीजिए आप विपसना मेडिटेशन करते हैं, विपसना ध्यान में आप श्वासों पर ध्यान लगाते हैं, आप श्वास को भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, श्वास भीतर और बाहर। साधारणता आप श्वास भीतर और बाहर लेते रहते हैं, लेकिन विपसना में आप श्वासों को होश पूर्वक देखते हैं, श्वासों पर ध्यान लगाते हैं, तो इस श्वासों से आपके भीतर घर्षण पैदा होता है, एक फ्रिक्शन होता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप नाद का उच्चारण करते हैं या कोई भी मंत्र जाप करते हैं, तो इसमें भी घर्षण पैदा होता है। तो किसी भी साधना की क्रिया में आपकी बॉडी के भीतर फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, और जहां पर फ्रिक्शन या घर्षण होगा वहां पर ऊर्जा पैदा होती है, और वो ऊर्जा या तो मोशन पैदा करेगी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। आपका यह शरीर ठीक उसी विज्ञान पर काम करता है जिस प्रकार से किसी वाहन का इंजन काम करता है। आप अपनी कार में या बाइक में फ्यूल डालते हैं, किक मारते हैं तो घर्षण होता है, या सेल्फ मारते हैं तो भी एक घर्षण पैदा होता है जिससे आपके वाहन का इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन में भी तेजी से घर्षण होता रहता है जिसकी वजह से आपके वाहन का इंजन एनर्जी जनरेट करता है। और वह एनर्जी क्या करती है? हाँ, वह एनर्जी आपके वाहन को धक्का देती है, एक मोशन क्रिएट करती है। तो यहां यह तो क्लियर है, जहां फ्रिक्शन होता है वहां एनर्जी पैदा हो ही जाती है, या मोशन के रूप में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। बिल्कुल ऐसे ही जब आप कोई साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, श्वास भीतर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, फिर फ्रिक्शन पैदा होता है और आपके भीतर का इंजन स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अब आप कहोगे कि श्वास तो हम हमेशा लेते हैं, और अगर मंत्र उच्चारण नहीं करते तो साधारणतर शब्दों का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, जैसे गाना गाना या किसी से बातें करना, तब हमारी बॉडी झटके क्यों नहीं लेती या इसमें वाइब्रेशन क्यों नहीं होता? देखिए, आप जितनी श्वास लेते हो वो आप नहीं लेते, वो अनजाने में चल ही रही है, आप इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और साधारणता अनजाने में श्वास लेते समय श्वासों के जरिए आप जितनी ऊर्जा अपने भीतर ले जा रहे हैं उसको हाथ के हाथ तुरंत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ तो करते ही हैं, कुछ तो करते रहते ही हैं।
तो एक तरफ से प्राणवायु के जरिए ऊर्जा आपके भीतर जा रही है और दूसरी तरफ इस्तेमाल होती जा रही है, और इसीलिए आप काम करते करते थकावट महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा स्टोर नहीं हो रही है, वो खर्च हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप सोते हैं, सोते समय आपको सबसे ज्यादा मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, और सोते वक्त आपका शरीर शांत पड़ा रहता है, कोई भी बाहरी क्रिया नहीं होती, प्राणवायु के जरिए केवल ऊर्जा आपके भीतर जा रही है और अब वो स्टोर हो रही है। इसीलिए आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, एक नींद लेने के बाद आप ताजा महसूस करते हैं, क्योंकि सोते वक्त आपने केवल कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर लिया और उसे स्टोर किया। अब वो एनर्जी इतना काम करती है कि आपकी थकावट को मिटा देती है और अगले दिन के लिए आपको दोबारा तैयार कर देती है। नींद के जरिए उतनी एनर्जी आपके भीतर स्टोर हो चुकी है जिससे आप अगले दिन के बाकी सभी काम कर सकें। और जो आप श्वास लेते हो, साधारणता उस पर ध्यान नहीं लगाते, ये तो बस चल रही है, आप इसे होश पूर्वक नहीं देखते, लेकिन इतने में ही ये आपके पूरे शरीर को संचालित करती है। आप चलते हो, फिरते हो, दौड़ते हो, खेलते हो, काम करते हो, आपके शरीर का ये यंत्र, ये इंजन इसी से तो चल रहा है, क्यों है ना। लेकिन किसी साधना के वक्त, ध्यान के वक्त या भक्ति के समय, मंत्र उच्चारण के समय, इन सब में एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, वो है आपका ध्यान, कॉन्शियसनेस, एकाग्रता, जिससे आपके शरीर में वो कॉस्मिक एनर्जी भारी मात्रा में पैदा होने लगती है। और आपके शरीर को तो साधारण ऊर्जा की आदत है जितनी डेली कामों के यूज में चाहिए होती है, लेकिन जब ध्यान में आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है तो ये आपके शरीर को झटके देना शुरू कर देती है, जिससे आपके शरीर में वाइब्रेशन होने लगता है। किसी भक्ति भरे संगीत को सुनने से बॉडी में गूज बम्स हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आपका शरीर सूक्ष्म तल पर ऊर्जा पैदा कर रहा है, और ध्यान में यह आपको बहुत ज्यादा मिलती है। जो साधक रेगुलर ध्यान करने लगता है, शुरुआत में उसको यह बहुत ज्यादा महसूस होता है। मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ था, जनरली जब मैं ध्यान नहीं कर रहा होता था, रात को सोते समय मेरे शरीर में अपने आप कभी भी झटके लगने लगते थे, और फिर उसके बाद मैं नॉर्मल हो जाता था। लेकिन इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, असल में उस ऊर्जा के बहाव से आपके शरीर में, आपकी नाड़ियों में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब कुछ साफ होते हैं। ऊर्जा की उस फोर्स से सभी रास्ते, सभी ब्लॉकेजेस खुलने लगते हैं, और फिर उसके बाद कंटिन्यू ध्यान करने से या कोई भी साधना करते रहने से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और आपके भौतिक जगत के साथ साथ, यानी इस फिजिकल बॉडी के साथ साथ, आपके सूक्ष्म तल में, यानी भीतरी रूप से बहुत से परिवर्तन होते हैं, और फिर ज्ञान का सूर्य उदय होने लगता है, आप इंटेलिजेंट होने लगते हैं, आपकी समझ और विवेक बढ़ जाता है। तो अगर आपके साथ में ध्यान में कुछ ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल होता चला जाएगा। धीरे धीरे चलोगे तो नए नए एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे, आपका शरीर और मन भीतरी तल पर तैयार हो जाएगा उस अज्ञात के लिए, क्योंकि उस अज्ञात को, उस सत्य को आप सीधे सीधे नहीं झेल पाओगे, विक्षिप्त हो जाओगे, पागल हो जाओगे, जान तक जा सकती है। और शायद इसीलिए योग में गुरु का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। एनीवे, आज के लिए इतना ही।